टाइम हो रहा था 7:04 पर, फ़ोन में टाइम देखा था और फ़ोन जेब में रखा था। फ़ोन जेब में रखते ऐसे बिजली कड़की के सब बेहोश हो गए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांच्या अनेक जिल्ह्यात रविवारपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे। या दरम्यान वीज कोसळल्यामुळे आतापर्यंत अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागलेत। राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडल्याचं समोर आलंय। सेल्फी क्लिक करण्यासाठी टॉवरवर चढलेल्या 11 तरुणांचा मृत्यू झालाय। काही लोक यहां मर चुके हैं, इसकी शक्ल दिखा ना, अगर किसी के भी जानकार हो या घर के हो एक बार देख लें सभी लोग। कई लोग यहां खत्म हो चुके हैं भाइयों, यहां कई लाशें जी, कई लाशें यहां पे पहाड़ की तरफ गिर चुकी है। सभी लोग, जिसका भी आदमी हो, जिसके भी जानकार हो, टॉर्च दिखाना एक बार, वो आके आमेर आके इन सबको संभाले। सभी भाई ये देखिए, आमेर आके संभाले सभी भाई के सामने। त्यातल्या एका प्रत्यक्षदर्शीने ही थरारक घटना सांगितली। यहाँ कई लोग बेहोश पड़े हैं। मैं गया था, वहाँ पर फ्रेंड का फोन आया था। जब गया मैं वहाँ पे, तो मेरे को ऊपर बुलाया था, तो मैं ऊपर चला गया वहाँ पे उनके पास, सबके पास, तो सब ऊपर खड़े थे। टाइम हो रहा था 7:04 पर, फ़ोन में टाइम देखा था और फ़ोन जेब में रखा था। फ़ोन जेब में रखते ऐसी बिजली कड़की के सब बेहोश हो गए। फिर मुझे, मेरे फ्रेंड को, भाई को, छोटे वाले को, तीनों को होश आया। मेरे हाथ जो थे भाई के टांगों पे थे, वो आधा आधा लटका हुआ था, उसको खींचा तो वो उठ गया था। उठने के बाद फ्रेंड उठा, फ्रेंड उठ के फिर हम तीनों जने जो थे सबको नीचे ला रहे थे। नीचे लाते लाते सबको लिया, फिर एक फ्रेंड बचा था हमारा ऊपर ही, तब उसको ले जा रहे थे। फिर दोबारा बिजली कड़की, जब हमारी बिजली कड़की ना तीनों पर, तो हम तीनों बेहोश हो गए। फिर 2 घंटे में मुझे होश आया, छोटे वाले भाई को आया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वहाँ से एम्बुलेंस को फ़ोन किया, और एक हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे, जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने, मैं वहीं था ऊपर 2 घंटे बाद में, जब होश आया तब मैंने फ़ोन करा, थोड़ा सा हाथ नॉर्मल हुआ मेरा, हाथ फ़ोन निकाला मैंने, फ़ोन निकाल के जब फ़ोन करा, तो उन्होंने 40-50 लड़के वहाँ भेजे और पुलिस वाले आए वहाँ पर, फिर वो हेल्प करे वहाँ पर। 10 जने को तो हमने नीचे उतार लिया था, हम समेत 12 हो गए, और एक जनी ऊपर लेटा हुआ ही था, और 3-4 बच्चे थे, और 2-3 वहाँ पे क्या कपल्स भी आए हुए थे, कपल्स भी थे, और सामने जो थे ना 20-25 बंदे सामने भी थे, बहुत ज़्यादा। कि क्या करें, खाली मैं और छोटा भाई होश में था, बाकी सब भी होश थे। करें तो क्या करें, समझ में जा रहा था। एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं की या घटनेची माहिती मिळाल्यावर त्यांची टीम घटनास्थळी दाखल झाली, पण अंधार असल्यामुळे बचाव कार्यात अनेक अडचणी येत होत्या। आकाशीय बिजली गिरने की सूचना से कई लोगों के घायल होने की बात आई थी। उसके बाद यहाँ पर हमारे ACP आमेर, SHO आमेर मौके पर पहुँच गए थे, और कंट्रोल रूम के द्वारा सिविल डिफेंस की टीम को, SDRF को बुलाया गया तत्काल यहाँ पे। जो भी इक्विपमेंट्स थे, ड्रैगन लाइट्स थे, बाकी संसाधनों के साथ यहाँ पर तत्काल सारी टीमें पहुँची। हमारे कमिश्नर साहब खुद मौके पर पहुँचे और यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। चूँकि बहुत ही मुश्किल टेरेन था, तो टीमों ने देख देख करके और अंधेरा होने के कारण ड्रैगन लाइट्स के माध्यम से ही देख पा रहे थे। तो लगभग यहाँ से 30 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है, ऊपर से नीचे उतारा गया। उसमें से अभी तक जो हमारे पास सूचना है, उसमें लगभग 16 लोगों की मृत्यु की संभावना है, और बाकी 10-12 लोग जारी इलाज भी चल रहे हैं। दरम्यान वीज पडून कोटा जिल्ह्यात 4 तसंच धौलपूरमध्ये 3 लोकांचा मृत्यू झाला। राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी या दुर्घटनेनंतर शोक व्यक्त केलाय। उत्तर प्रदेशमध्ये वीज कोसळून 42 लोकांचा मृत्यू झालाय। हा आकडा वाढण्याची शक्यता BBC सहकारी पत्रकार समीरात्मज मिश्र यांनी व्यक्त केली आहे। एकट्या प्रयागराजमध्ये सर्वाधिक 13 लोकांचा मृत्यू झालाय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या संपूर्ण घटनेची माहिती घेतली आणि मृतांच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपये नुकसान भरपाईची घोषणा केली आहे।